बाल झड़ना, कोलेस्ट्रॉल, गैस, पेट दर्द, भूख, कब्ज, उल्टी, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, इन बीमारियों को जड़ से खत्म कर देगी ये सिर्फ एक चीज। दोस्तों, क्या आप किसी ऐसी चीज के बारे में जानते हैं जो बालों का झड़ना, कान का बहना, कोलेस्ट्रॉल, पेट में गैस बनना, खाना नहीं पचना, पेट में दर्द रहना, भूख की कमी होना, पेट फुला हुआ रहना, कब्ज रहना या बहुत ज्यादा उल्टी जैसा महसूस होना, लो ब्लड प्रेशर या हाई ब्लड प्रेशर होना, डायबिटीज, लीवर की सफाई के लिए, हर तरह का बदन दर्द, जोड़ों का दर्द, अर्थराइटिस, गठिया, कमर दर्द, घुटनों का दर्द, हाथ पैरों में दर्द या खाज खुजली रहना, शरीर में होने वाली हर तरह की सूजन को अकेली एक चीज जड़ से खत्म कर देगी। दोस्तों, ये चीज हमारी रसोई में घर में आसानी से मिल जाती है। बहुत ही छोटी सी ये चीज है, वो है मेथी दाना। कुछ लोग इसे दाना मेथी भी बोलते हैं। इस मेथी दाने के अंदर प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है, इसीलिए जो लोग मेहनत वाला काम करते हैं या डेली एक्सरसाइज करते हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छी चीज है। मेथी दाने में डाइट्री फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में होता है, इसीलिए पेट की हर तरह की तकलीफ, खासतौर पर कब्ज की समस्या के लिए रामबाण औषधि है। इसमें विटामिन B1, B2, B3, B6, B9 और विटामिन सी होता है। साथ ही इसके अंदर कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, जिंक होता है। इसके कारण ये हड्डियों की मजबूती के लिए और सभी तरह के बदन दर्द, जोड़ों के दर्द के लिए, कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए, ब्रेन की हेल्थ के लिए, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए कमाल की चीज है। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखते हैं कि इन सभी बीमारियों में मेथी दाना किस तरह से काम में लेना है, ताकि आप घर बैठे अपनी बहुत सारी बीमारियों का इलाज कर सकें। इसके लिए आपको एक गिलास पानी लेना है और इस पानी में 2 चम्मच मेथी दानों को डालकर रात भर इन दानों को पानी में भिगोकर रख देना है। इससे 2 फायदे होंगे। पहला ये कि रात भर पानी में भिगने के बाद ये सुबह तक फूल जाएगी और नरम हो जाएगी। दूसरा फायदा ये होगा कि इनके सारे गुण इस पानी में आ जाएंगे। अब सुबह फ्रेश होने के बाद आपने क्या करना है, ये मेथी दाना और पानी एक पतीले एक बर्तन में डालकर इसे सिम फ्लेम पर उबाल लीजिए, कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए। उसके बाद आप गैस को बंद कर दीजिए, पानी को छान लीजिए। अब आपको एक गिलास में तो मिल गया मेथी दाने का ये गर्म पानी और साथ में आपको अलग से मिल गया उबला हुआ मेथी दाना। आपको ये दोनों चीजों को काम में लेना है। कैसे काम में लेना है, अब ये जान लेते हैं। ये जो मेथी दाने का पानी है, यह एक तरह की मेथी दाने की चाय है। इसको आपको सुबह खाली पेट गरम गरम सिप सिप करके पी लेना है, जैसे आप नॉर्मल चाय पीते हैं वैसे ही। अब जो ये उबला हुआ मेथी दाना है, इसको भी आपने कंज्यूम करना है, यानी खाना है। आपको इसको नाश्ते में या फिर दिन में खाना खाने के साथ खाना है। कैसे खाना है ये भी जान लेते हैं। पहले तो इसे ठंडा होने दें, ताकि आप इसे आराम से चबा सकें। जो लोग कड़वा टेस्ट बर्दाश्त कर पाते हैं, वो इसे डायरेक्ट ही खा सकते हैं। खूब अच्छी तरह से चबा चबा कर खा लीजिए, पेस्ट बनाकर ही अंदर निकलेगा। इस तरह से आप इसे डायरेक्ट खा सकते हैं। और जो लोग कड़वा टेस्ट पसंद नहीं करते, बर्दाश्त नहीं करते, वो लोग इस मेथी दाने का पेस्ट बना लें। इसे दही में मिक्स करके ले सकते हैं, या फिर इसका पेस्ट बनाकर सब्जी जो बनाते हैं उसमें मिक्स कर सकते हैं, आटा गूंथते हैं उसमें मिक्स कर सकते हैं। इस तरह से जिनको भी सर्दी है, खांसी है, जुखाम है, बदन में दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द रहता है, उनको इसका इस्तेमाल जरूर करना है। इन 3 से 4 तरीकों से आप उबली हुई मेथी दाने का सेवन कर सकती हैं। रोजाना इस तरीके से मेथी दाने की फ्रेश चाय बनाकर अगर आप पीते हैं, फिर उबला हुआ मेथी दाना भी खा लेते हैं, 1 महीना रोजाना ऐसे ही चाय पीने से और मेथी दाना खाने से आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे, जो आप खुद महसूस कर पाएंगे। क्योंकि रोजाना मेथी दाना और पानी पीने से बाल झड़ना बंद हो जाते हैं, कानों का बहना बंद हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल, पेट में गैस बनना, खाना नहीं पचना, पेट में दर्द होना, भूख की कमी होना, कब्ज रहना, हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर, लीवर की समस्या होना, लीवर को साफ करना चाहते हैं, डायबिटीज की समस्या है, बदन में जोड़ों में दर्द रहता है, अर्थराइटिस की समस्या है, या खाज खुजली बहुत ज्यादा होती है, शरीर में होने वाले सूजन को ये खत्म कर देता है। इतनी सारी प्रॉब्लम को ये झट में खत्म कर देता है। लेने का तरीका बहुत साधारण है। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी यही तक थी। मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी, आपके काम की होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपके काम की है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आपके कोई भी सवाल है तो जरूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय।